तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है वीवो का, वो अपडेट दिया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारा फोन जो है, इसके अंदर आप फ्लैशिंग, अनलॉकिंग सारा कुछ कर सकते हैं। वीवो की जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है वो भी अपडेट कर चुका है इसके अंदर। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप की जो वीडियो है मैं हमेशा अपलोड करते रहूँगा। तो फ्रेंड, इसको सबसे पहले इसकी जो ऑफसाइट है, ऑफसाइट के ऊपर जाना होगा। जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा मेरे चैनल के अंदर। मैं एक लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग उठा के ले सकते हैं। लेने के बाद सबसे पहले अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो ये जो रिसेलर है आउट कंट्री का, तो यहाँ से इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र नेम देना होगा, तो रजिस्टर हो जाएगा, या तो फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं इसको यूज़ किया था, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर था, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। और इसके अंदर जो सपोर्ट है वो एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी के अंदर सपोर्ट है और बहुत अच्छा है और 100% वर्किंग है, क्योंकि पहले मैं उसको यूज़ किया हूँ और कुछ भी जहाँ डालता हूँ तो वर्किंग के साथ ही मैं डालता हूँ। इसके बाद फेसिंग के ऊपर मैं डालता हूँ। पहले मेरा ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका है, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, बहुत दिन पहले अपलोड कर चुका था, क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया हूँ, बहुत अच्छा है और वर्किंग के साथ है। तो मेरे इसको पहले रजिस्ट्रेशन करके रखा था, तो मेरा मैं इसको पासवर्ड जो है, पासवर्ड को मैं फॉरगेट कर रहा था। तो फ्रेंड्स, टूल की जो फीचर है मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, 100% वर्किंग में है, तो देख लीजिएगा इस टाइप से इसको कैसे चेक करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो को फुल वॉच करना होगा, और जो भाई नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि इस टाइप की जो वीडियो है मैं हमेशा अपलोड करते रहूँगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तब पता चलेगा कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे इसको कहाँ से लेना होगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर है। तो लेकिन फुल देखना होगा आप लोगों को।